Creating and altering an index. Recently, we discussed about how to create the index, what are the index, और फिर index की information आप data dictionary view से कैसे ले सकते हैं. अब हम जो discuss करने जा रहे हैं उसमें ये कि create index को properly create कैसे किया जाता है, कुछ और अच्छी examples के साथ, ताकि हमारी एक understanding अच्छे तरीके से बन जाए. तो altering index, creating index and creating and altering both, rebuilding index, making index visible or invisible, मेकिंग इंडेक्स यूजेबल. तो अल्टर इंडेक्स का मतलब ये है कि उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, और क्लास एज एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स को भी हम कर सकते हैं, डी एलोकेट हम कर सकते हैं, स्पेसिफाई पैरेलल एग्जीक्यूशन हम मैनेज कर सकते हैं, अल्टर स्टोरेज के साथ हम लॉगिंग या नो लॉगिंग के ऑप्शन के साथ इसको कर सकते हैं. इसका सिंटैक्स जो है वो डिटेल से देखा जा सकता है. इनेबल और डिसेबल की कंप्रेशंस मैनेज करते हैं, मार्क द इंडेक्स अनयूजेबल है और मेक द इंडेक्स इनविजिबल, रीनेम द इंडेक्स हम मैनेज करेंगे. क्रिएटिंग इंडेक्स में ये जितनी ऑप्शंस हैं, स्टार्ट स्टॉप मॉनिटरिंग इंडेक्स भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन चंद एक है जो हम कवर करेंगे. बाकी इनके जो सिंटैक्स है वो जो हम जनरल सिंटैक्स को फॉलो करके इंफॉर्मेशंस को ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप देख के फर्दर जो इसमें ऑप्शंस हैं वो दे सकते हैं. क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नए हम दे रहे हैं, टेबल स्पेस दे रहे हैं और स्टोरेज दे रहे हैं, जैसे हमने पहले भी सिमिलर एग्जांपल की थी. इस तरीके से क्रिएट यूनिक इंडेक्स के साथ उसका नाम देंगे और टेबल स्पेस असाइन करेंगे. इसी तरीके से हम क्रिएट अल्टर पे हम यही इंडेक्स दोबारा देते हैं, और फिर कोई अगर स्टोरेज एक्स्ट्रा देना चाहे वो हम दे सकते हैं इसी फॉर्म में. रीबिल्ड इंडेक्स का मतलब है यू हैव ऑप्शन ऑफ रीबिल्ड द इंडेक्स ऑनलाइन. तो ये ऑनलाइन अवेलेबल इंडेक्स होता है, और रीबिल्डिंग ऑनलाइन इनेबल्स यू टू अपडेट बेस टेबल एट द सेम टाइम यू आर रीबिल्डिंग. तो रीबिल्डिंग का मतलब ये कि जब आप उसको ऑनलाइन कर रहे होते हैं और उसको ऑप्शन के साथ रीबिल्ड दे रहे होते हैं, तो बेस टेबल भी अफेक्टेड होता है इससे. इसकी कमांड क्या होगी, अल्टर इंडेक्स, और अगर आप इंडेक्स का नाम दे दें और लफ्ज़ आपने रीबिल्ड लाजमी लिखना है, और उसके साथ ऑनलाइन करेंगे ताकि वो अवेलेबल भी हो. तो ऑनलाइन के साथ आप रीबिल्ड इंडेक्स देते हैं, और जो कि बेस टेबल को इफेक्ट करता है. मेकिंग इंडेक्स विजिबल या इनविजिबल. देखें, ये इंडेक्स इस तरह के हैं कि आप किसी इंडेक्स को विजिबल या इनविजिबल बना सकते हैं, और इसको पैरामीटर जो इनिशियलाइज पैरामीटर है उसके थ्रू आप ऑप्टिमाइजर यूज इनविजिबल इंडेक्सेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि किसी स्कीमा में और यूज़र्स को आप ये चाहें कि वो इस चीज़ को मैनेज करें कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या आप किसी वजह से हैकिंग को बचने के लिए आप इनको जो है विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं. अल्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम दें, आगे उसके सामने ऑप्शन दे सकते हैं जैसे विजिबल है या इनविजिबल है. तो इस कमांड के थ्रू जो है वो इंडेक्स को आप मैनेज कर सकते हैं. इसी तरीके से मेकिंग इंडेक्स यूजेबल कैसे करेंगे. इसका मतलब ये है कि आपके इंडेक्स का कोई सेगमेंट होगा, और आप देखते हैं कि उसका स्टेटस वैलिड है कि नहीं है. तो क्वेरी द डेटा डिक्शनरी टू डिटर्मिन whether an existing index or index partition is usable or not usable. तो आप एक डेटा डिक्शनरी व्यू यूज़ कर रहे हैं, यूज़र अंडरस्कोर इंडेक्सेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा डिक्शनरी व्यू है, और इसको आप कंबाइन कर रहे हैं दूसरा डेटा डिक्शनरी व्यू, यूज़र इंडिपेंडेंट यूज़र इंडेक्स पार्टीशंस. तो पार्टीशंस और इंडेक्सेस दोनों को अगर आप यूनियन कर लें और एक जैसे कॉलम इनके आप पिक करें, तो आपके पास राइट साइड पे आप देखेंगे आपके पास ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडेक्सेस के नाम आएंगे, और इनका स्टेटस और सेगमेंट्स आएंगे. और सेगमेंट्स में आपको पता लग जाएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है, या इसका स्टेटस जो है वो यस है या नो है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज मेकिंग इंडेक्स यूजेबल.